नमस्कार दर्शकों, जय श्री राम। हम सब प्रायः स्वप्न देखते हैं, चाहे अच्छे स्वप्न देखें चाहे बुरे स्वप्न देखें, लेकिन अधिकतर हमें इसके बारे में पता नहीं होता। तो हमारे स्वप्न शास्त्र में इसके बारे में क्या कहा जाता है, इस वीडियो में जानेंगे। कौन सा सपने कैसा फल देता है, इस वीडियो में सारे जानकारी विस्तार से बताऊंगा। आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि गुरुजी बताइए, सपने में भगवान देखने का मतलब क्या होता है, सपने में रोने का मतलब क्या होता है, सपने में शादी देखने का मतलब क्या होता है, सपने में हमने सांप देखे तो गुरुजी इसका मतलब क्या होते हैं, गुरुजी हमने सपने में पानी देखा तो इसके मतलब क्या होता है। और बहुत से लोगों ने कमेंट करके पूछे कि गुरुजी हमने सपने में अपने स्वयं की मृत्यु देखे तो इसका मतलब क्या होता है, और कितने बजे का जो स्वप्न होता है ये सच होता है, ये जानकारी हमें आप जो वीडियो बना करके बताइए। तो ये जानकारी मैं आप लोगों को वीडियो बना करके बता रहा हूँ, वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, पूरे जानकारी विस्तार से बताऊंगा। इस प्रकार की जानकारी आपको किसी अन्य चैनल में नहीं मिलेंगे। मैं जो जानकारी बताऊंगा स्वप्न शास्त्र के अनुसार बताऊंगा और स्वयं की अनुभूत जानकारी बताऊंगा। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कौन से सपने कैसा फल देता है। तो सपने में भगवान देखने का मतलब, तो कोई भी व्यक्ति अगर सपने में भगवान देखते हैं तो व्यक्ति जब मार्ग से भटक जाते हैं तब इस प्रकार के स्वप्न आते हैं। अगर आप देव भक्त हैं, किसी देवी देवता को मानते हैं और मार्ग से भटक चुके हैं, गलत मार्ग में जाने लगे, तो इस प्रकार के स्वप्न आते हैं। ईश्वर चाहता है कि आप धर्म के मार्ग पर चले, किसी की बुरा ना करे। वैसे कभी कभी ऐसे जो स्वप्न होते हैं भगवान के, अगर आप भक्त हैं तो भगवान अपने होने का एहसास कराने के लिए भी इस प्रकार के स्वप्न देते हैं। स्वप्न में रोने का मतलब, तो यदि आप खुद को सपने में रोते हुए पाते हैं तो इसे बेहद ही शुभ माना जाता है। इसका मतलब होता है कि आपने जिंदगी में बहुत ज्यादा दुख तकलीफ सहे, बहुत जल्द आपकी जो दुख तकलीफ है वो मिटने वाले हैं, साथ ही साथ आपकी आर्थिक स्थिति जो मजबूत होने वाले, ये संकेत बताते हैं सपने में रोने का मतलब। इसके साथ ही सपने में शादी देखना, तो जल्द आपके शादी होने वाले, अगर आप सपने में शादी देखते हैं, कुंवारे हैं तो, अगर कुंवारे नहीं है तो पारिवारिक जीवन आपके अच्छे से गुजरेंगे। अगर पारिवारिक जीवन में कोई परेशानी आई है तो पारिवारिक जीवन अच्छे से गुजरेंगे, या फिर प्रेमिका आपको मिलेंगे, या फिर सबसे आपको आपके जो आपसी प्रेम अच्छे से बनेंगे। सपने में पानी देखने का मतलब, तो निकट भविष्य में अता धन की आपको प्राप्ति होगा। पानी को माया कहा जाता है, यानी कि लक्ष्मी कहा जाता है। आपने जीवन में जो चीज सोच करके रखे वह चीज आपको प्राप्त होगा। सपने में मृत्यु देखना, तो बड़ा मुसीबत आपके टल गए, सपने में आपने मृत्यु देखा तो संकट से प्रभु ने आपको बचा लिया, और ये स्वप्न देख करके आपको घबराना नहीं चाहिए। ऐसे स्वप्न आपको मृत्यु योग से बचाने का स्वप्न होता है, भगवान आपको बचा लिया। इस प्रकार के स्वप्न जो आते हैं समझो आपकी बड़ी सी बड़ी बाधा टल गए। मृत्यु स्वप्न में स्वयं का देखना मतलब बाधा टल जाना। और कितने बजे का स्वप्न सच होता है, तो 3:30 बजे के बाद जो स्वप्न आता है ये स्वप्न सच होता है, क्योंकि 3:30 बजे के बाद को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, ब्रह्मकाल कहा जाता है। ब्रह्मकाल में देखे गए स्वप्न अधिकतर सच होने का दावा करते हैं, अधिकतर सच भी होते हैं। तो ये थे स्वप्न शास्त्र की छोटी सी जानकारी। धन्यवाद।